दोस्तों, एक और अमेरिका और चाइना जैसे विकसित देश मानव को चांद और मंगल ग्रह पर ले जाने की योजनाएं बना रहे हैं। वहीं दूसरी ओर जापान ने चांद के लिए बुलेट ट्रेन की घोषणा कर दी है। यानी यह बुलेट ट्रेन आपको पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाएगी। इस बुलेट ट्रेन को स्पेस ट्रेन नाम दिया गया है और यह अर्थ की ग्रेविटी का यूज करके चंद्रमा तक जाएगी और बाद में हेक्सा ट्रैक की मदद से यही बुलेट ट्रेन चंद्रमा से मंगल ग्रह तक भी जाएगी। अब आपके मन में जरूर ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये हेक्सा ट्रैक क्या है, तो आइए जानते हैं। अगर सिंपल शब्दों में कहें तो ये एक रेलवे ट्रैक है जिसे स्पेस में बनाया जाएगा। इस ट्रैक पर चलने वाली सभी ट्रेन्स में इस ट्रैक द्वारा 1G की ग्रेविटी प्रोड्यूस की जाएगी, जिससे ट्रेन के अंदर बैठे पैसेंजर्स को जीरो ग्रेविटी फेस ना करनी पड़े। ये तो हुई चांद पर बुलेट ट्रेन चलाने की बात। इसके अलावा चांद पर इंसानों के रहने के लिए ग्लास टेक्नोलॉजी का निर्माण भी किया जाएगा, जिसे आर्टिफिशियल स्पेस हैबिटेट भी कहा जाता है। यह 1300 फीट लंबी ग्लास से बनी हुई एक इमारत होगी जिसे क्योटो यूनिवर्सिटी और काजिमा कंस्ट्रक्शन ने मिलकर डिजाइन किया है। इस ग्लास चैम्बर का एटमॉस्फेयर बिल्कुल अर्थ के एटमॉस्फेयर के जैसा होगा। इसके अलावा इस चैम्बर में पेड़ पौधे, नदियाँ, पार्क और इंसानों के मनोरंजन के लिए सभी चीजें मौजूद होंगी। इस चैम्बर का प्रोटोटाइप 2050 तक बनकर तैयार हो जाएगा। इसके अलावा जापान का ये भी कहना है कि 21वीं सदी के अंत तक चांद के लिए बुलेट ट्रेन शुरू हो जाएगी। यानी वो दिन दूर नहीं जब इंसान पृथ्वी के अलावा चंद्रमा और मंगल ग्रह पर भी रह सकेगा। वैसे आपको क्या लगता है, क्या वाकई में पृथ्वी से चंद्रमा के लिए बुलेट ट्रेन शुरू हो पाएगी? हमें कमेंट में बताएं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही हमारे मोटिवेशन के लिए वीडियो को लाइक जरूर करें। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।